हेलो गाइस, मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं मिक 786 व्लॉग। और आपका मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं आपको दिखा अबी बकर अल सिद्दीक रोड। ये है अबी बकर अल सिद्दीक रोड का सर्विस रोड जिस पे अभी हम चल रहे हैं। अगर इस कटिंग से लेफ्ट जाएंगे तो इस रोड का अबू बकर अल सिद्दीक रोड के नॉर्थ में चले जाएंगे हम। तो मुझे जाना है अभी साउथ में। तो आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं इसी टाइप के वीडियो बनाते रहता हूँ सऊदी अरब के अलग अलग जगहों के, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो गाइज अभी बज रहा है 12:45 सऊदी अरब कैपिटल शहर रियाद में। दोपहर के कारण और वीकेंड के कारण अभी इतना रश नहीं है। अभी हम यहाँ से यू टर्न मार के वापस उसी रोड पर जाएंगे। हम जा रहे हैं साउथ में। तो मैं बता रहा था आपको वीकेंड में इतना रश नहीं है। अभी दोपहर का टाइम है, शाम के टाइम और सुबह के टाइम बहुत रश रहता है। ये मेरे साइड में एक मॉल है जिसमें दुकानें हैं खाने पीने की हैं। जहाँ मैं गया था गाइस वहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, बहुत बड़े बड़े कॉफ़ी शॉप हैं। चाय, गावा और कॉफ़ी, ये सऊदी लोग हैं ना जो, ये इन्हीं चीज़ों के शौकीन हैं बस, चाय, गावा और कॉफ़ी। अभी हम गाइस यहाँ से जो कट मिलेगा, अभी हम सर्विस रोड पर चल रहे हैं, यहाँ से जो कट मिलेगा हम उससे मेन रोड में इंटर हो जाएंगे। ये सामने जो दिख रहा है ये फुट ब्रिज है, रोड पार करने के लिए बना रखा है। इस अबू बकर अल सिद्दीक रोड की एक खासियत है, जो फुट ब्रिज गया ये सेम फुट ब्रिज ऐसे ही मिलेंगे आपको इस रोड के ऊपर, इसी पैटर्न इसी डिज़ाइन के अंदर मिलेंगे। तो एक पहचान के लिए, अगर कोई नया आता है तो पहचान के लिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इस डिज़ाइन और इस पैटर्न से इस रोड को पहचान सकते हैं। इस रोड के ऊपर गाइस 90 की स्पीड दे रखी है, आप 85-86 तक जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे साइड में देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। इसके सामने और इसके पीछे कॉलोनियाँ भी बनी हुई हैं, दुकानें भी हैं। देखिए ये एक ब्रिज, ये मेट्रो का मेट्रो लाइन जा रही है ऊपर से। तो स्पीड के बारे में बता रहा था गाइस मैं, आप सऊदी अरब में आए हैं रियाद के अंदर तो ख़ास चीज़ पे ध्यान रखें कि यहाँ पर बेल्ट और मोबाइल का कैमरा इंस्टॉल कर रखे हैं बोट के ऊपर, और स्पीड के जो कैमरे हैं वो साइड में आपको कहीं भी मिल जाएंगे। वो फोल्डेबल छोटे भी रहते हैं और बड़े भी रहते हैं। तो आप अपनी जो 90 की स्पीड दे रखी है आप उसके अंदर ही चलिए। अगर 90 की स्पीड के पार जाते हैं आप तो आपको फिर फाइन आ जाएगा, उसको अरबी में बोलते हैं मुखालफा। और मुखालफा आएगा तो वो आपके मोबाइल पे नहीं आएगा, आपके कफील के मोबाइल पे आएगा। या तो वो इमीडिएटली चला जाएगा या कुछ घंटों के बाद जाएगा या एक दो दिन के बाद जाएगा। कफील आपको मैसेज करेगा कि आपका प्रेम पत्र आ गया है 500 रियाल का। अगर फर्स्ट टाइम है, अच्छा कफील होगा तो वो भर देगा, नहीं तो आपकी सैलरी से 500 रियाल कट जाएगा, यानी इंडिया के 10,000 रुपये। तो सेफ्टी से गाड़ी चलाइए, जल्दी नहीं है, हम लोग यहाँ पे काम करने आए हैं, सेफ्टी से जल्दबाजी में गाड़ी ना चलाएं। तो गाइस ये कुछ रोड का व्यूज़ बता रहा हूँ, ये रोड का वीडियो आप सर्च कर लीजिए। ये फर्स्ट ब्लॉग बना के बता रहा हूँ साउथ अबू बकर अल सिद्दीक रोड का। हम इस रोड से जहाँ से जा रहे हैं, अभी इतना ट्रैफिक तो नहीं है,
और वीकेंड भी है, लेकिन शाम को और सुबह बहुत ट्रैफिक रहता है क्योंकि इसी रोड से अधिकतर लोग अपने जॉब पे जाते हैं। और यही रोड जो नॉर्थ में जाएंगे आप तो बहुत सारे रोडों को कनेक्ट करता है। यही इसी रोड से आप जिसको रूट मालूम है वो कसीम अल बुरैदा मदीना भी जा सकता है इसी रूट से। आगे से आगे मिलेगा सलमान रोड, वहाँ से लेफ्ट मार के आप जा सकते हैं किंग अब्दुल अजीज रोड पकड़ के। गाइस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा लीजिए। ये देखिए गाइस साइड में दुकानें भी हैं और मकान भी बने हुए हैं, कॉलोनीज भी बनी हुई है। ये सामने जो आ रहा है ये भी फूड बीज है, आप इसका भी पैटर्न देख लीजिए, डिज़ाइन देख लीजिए, सेम डिज़ाइन आपको आखिर तक मिलेगा। आखिर कहाँ तक, साउथ में ये रोड मिलेगा जाके रूबा रोड पे, अल रूबा रोड पे। और इधर नॉर्थ में जाएंगे तो आपको लास्ट में मिलेगा किंग सलमान रोड है, उसके ऊपर जाके मिलेगा ये। ये देखिए इस साइड वाले को ब्रिज को भी देखिए, सेम पैटर्न है। इसके जो नीचे रोड जा रहा है उस रोड का नाम है इमाम सऊद बिन अब्दुल अजीज रोड, जो नीचे वाला रोड है इस रोड का भी पैटर्न सेम है। अगर आप नए आ रहे हैं आपको रोड का नहीं मालूम है तो ये पैटर्न देख लीजिए। अभी गाइस हम यहाँ से राइट जाएंगे, राइट जाने के बाद एक रोड आएगा, उसको रोड का नाम है किंग अब्दुल्ला रोड। हम उससे जाके अपने घर के लिए जाएंगे। तो हम अभी सर्विस रोड पे जाने के लिए यहाँ से राइट कटिंग मारेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा देखिए, थोड़ा ट्रैफिक हो रहा है। एक बात और बताता हूँ मैं, यहाँ पे अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, दो गाड़ियों का तीन गाड़ियों का एक्सीडेंट होगा तो गाड़ियाँ वहीं खड़ी कर दी जाती है, वहाँ से हिलाई नहीं जाती तब तक जब तक के नजम, जिसको नजम अरबी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंश्योरेंस वाला नहीं आएगा तब तक गाड़ियाँ नहीं हटाई जाती हैं। वो आपको फिर पेपर देगा, फिर आगे का प्रोसीजर मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। अभी हम यहाँ से राइट जाएंगे, अबू बकर अल सिद्दीक रोड के सर्विस रोड पर जाएंगे। ये जो ट्रैफिक जाम दिख रहा है आपको, ये ट्रैफिक जाम आगे तक मिलेगा आपको। वहाँ से ईस्टर्न रिंग रोड, रूबा रोड, के लिए रोड कट देंगे। आगे जाने के बाद ईस्टर्न रिंग रोड से उतरेंगे आप, अलगाफ की स्ट्रीट आएगा, खालिद बिन वलीद आएगा, वहीं से दम्माम रोड आ जाएगा, खर्ज रोड आ जाएगा, बहुत सारे रोड मिल जाएंगे आपको, खुरेश रोड भी मिल जाएगा आपको वहीं से ही। ये देखिए ऊपर जो ब्रिज गया इस पर भी सेम पैटर्न बना हुआ है। इस रोड की पहचान बस यही है कि आप ब्रिज को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि अभी बकर अल सिद्दीक रोड है। गाइस कैसा लगा व्लॉग आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी हम जा रहे हैं अबू बकर अल सिद्दीक रोड के सर्विस रोड पे। यहाँ पे आगे एक इशारा है, इशारा बोलते हैं सिग्नल को, वो सिग्नल है इसलिए ट्रैफिक थोड़ा सा जाम दिख रहा है आपको, क्योंकि यू टर्न मारने वालों की लाइन लगी हुई है, कुछ गाड़ियाँ गलत खड़ी हो जाती है, इस वजह से ट्रैफिक थोड़ा सा जाम हो जाता है। नहीं तो लेफ्ट वाली पट्टी तो यू टर्न वाली है, अगर ये आगे वाला सही खड़ा रहे ना तो ये गाड़ियाँ चलती रहे, ट्रैफिक चलता रहे। तो गाइस अब मैं जाऊँगा यहाँ से किंग अब्दुल्ला रोड पे। थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा इस रोड के ऊपर क्योंकि सिग्नल है, एक या दो बार सिग्नल होने के बाद ही मैं जाऊँगा। ये दिख रहा है यहाँ से मैं लेफ्ट जाऊँगा, सॉरी लेफ्ट। तो गाइस
उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।